दिव्या तंवर बचपन में ही पिता का साथ छूट गया, माँ ने मजदूरी कर बेटी को पढ़ाया। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आज आपको दिव्या मैम का ये सक्सेस भरा स्टोरी और स्ट्रगल से भरा जर्नी जरूर सुनना चाहिए, जिससे आपको यूपीएससी एग्जाम के प्रति एक अच्छा मोटिवेशन और अच्छा गाइडेंस मिलेगा। दोस्तों, दिव्या तंवर जिन्होंने अपने पहले ही प्रयास में जो है यूपीएससी जैसे कठिन एग्जाम को क्रैक किया, वो भी हिंदी माध्यम से बिना किसी कोचिंग के जो है एक साल की तैयारी में, ना किसी बड़े विश्वविद्यालय, ना दिल्ली यूनिवर्सिटी, ना ही कोई बड़े आईआईटी कॉलेज से इंजीनियरिंग की। दोस्तों, दिव्या मैम ने जो है अपने गांव के ही एक गवर्नमेंट पीजी कॉलेज से ग्रेजुएशन करके, मतलब एक साधारण ग्रेजुएशन करके, अपनी एक साल की मेहनत और डेडिकेशन से जो है यूपीएससी जो है अपने पहले ही प्रयास में क्रैक किया। जब एक इंटरव्यू में दिव्या मैम से पूछा गया कि आपने इतने कठिन एग्जाम को घर में रहते हुए, वो भी इतने छोटे से कमरे में रह करके, इतने कम जगह में जो है, इतना जो है संघर्ष भरे जो लाइफ में रह करके कैसे जो है यूपीएससी क्रैक किया, क्या आपको कोई कठिनाई या कोई रुकावट का सामना नहीं करना पड़ा? तो दिव्या मैम ने कहा, रुकावटें तो बहुत थी, दिक्कतें तो बहुत थी, लेकिन जब यूपीएससी एग्जाम के बारे में सोचती थी और इसे क्रैक करने का ध्यान मन में आता था, तो मेरे मन में जो है मेरी घर की स्थिति, मेरा माँ का संघर्ष, मेरे परिवार का संघर्ष आता था। तो ये मन में ठान लिया था कि मेरा जो है पहला प्रयास ही मेरा यूपीएससी के लिए आखिरी प्रयास होगा, और ये दृढ़ संकल्प के साथ जो मैंने एग्जाम दिया, और पूरा भरोसा था कि मेरा पहला ही जो है प्रयास में यूपीएससी क्रैक होगा। और उन्होंने इस सपने को सच में बदल दिया और अपने पहले ही प्रयास में यूपीएससी जैसे कठिन एग्जाम को क्रैक किया। और जब दिव्या मैम ने यूपीएससी एग्जाम को क्रैक किया, तब उनके घर में जो है लोगों का आना जाना एकदम भीड़ सा हो गया, पूरे राज्य में ये बात आग की तरह फैल गई, क्योंकि दिव्या मैम जब भी यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, किसी को ये नहीं बताया था कि मैं आईएएस या यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। दोस्तों, अगर दिव्या मैम इतने संघर्ष भरे लाइफ में रह करके और एक साल की तैयारी में जो यूपीएससी क्रैक कर सकती है, तो आपके पास तो अभी बहुत समय है। दिव्या मैम का कहना है, जब तक आपका यूपीएससी का सपना संघर्ष में नहीं बदलेगा, तब तक आपका यूपीएससी क्रैक नहीं होगा। दोस्तों, इसी तरह के मोटिवेशनल और हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।